I got goosebumps. Yeah. There are no words to explain this. It's very difficult to do such kind of missions, Right. especially वहाँ पे जहाँ पे आपके पास सप्लीमेंट्री असिस्टेंस ना हो। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये दूसरा पार्ट होने वाला है जो वर्शिप द लिबरल हिंदू का वीडियो था। उसका पहला पार्ट हमने अपलोड किया है था कुछ देर पहले ही। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर पहले देखिए और फिर ये दूसरा पार्ट देखना भी मत भूलिए। तो जो पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी वॉरशिप जो थी वो पायरेट्स से प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरे जहाज़ों को जा रही थी, लेकिन हमारे शायद गवर्नमेंट से या नेवी के हेडक्वार्टर से उनको मैसेज गया कि उनको वहाँ से यमन जाना होगा और वहाँ पे जो हमारे नागरिक फंसे हैं, क्योंकि सऊदी और यमन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो हमारे इंडिया के जो नागरिक थे उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे जाना है। तो वॉरशिप वो पोर्ट के पास पहुँची हुई थी और आर्मी के कुछ नेवी के कुछ जवानों ने वो स्मॉल बोट्स का यूज़ करके वहाँ पे गए और देख रहे थे कि सिचुएशन क्या है। तो शुरू करते हैं आज का ये दूसरा पार्ट, मिक्स रिएक्शन। ठीक 7:45 पर INS सुमित्रा पोर्ट ऑफ एडन पर डॉक करना शुरू कर देता है। इंडियन नेवी के इस वॉरशिप को देखते ही यहाँ मौजूद एकमात्र यमनी अधिकारी शिप के पास आता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, फटाफट जहाज को डॉक करो, अपने लोगों को भरो और यहाँ से निकल जाओ, और हाँ, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास 45 मिनट है। ये कहते ही यमनी अधिकारी वापस मुड़ चलना शुरू कर देता है और कमांडर मकाशी अपने एक्सो का मुंह ताकने लगते हैं। 45 मिनट, ये दोनों नेवल ऑफिसर जानते थे कि इतने कम समय में सभी भारतीयों को रेस्क्यू करना मुश्किल नहीं असंभव था। बिल्कुल, ये 45 मिनट। इन सभी सिविलियंस को किसी भी प्रकार के वर्जित सामान के लिए चेक करने के अलावा एक और खतरा ऐसा था जिसके लिए क्रू को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना था। ये खतरा था भेड़ की खाल में छिपने वाले भेड़ियों का खतरा। अपने शरीर से विस्फोटक लपेटे कोई आतंकी जो 500 भारतीयों से लदे इस जहाज को बड़े ही आराम से जल समाधि दिला सकता था। बिल्कुल, कोई कुछ भी सकता है इनके साथ साथ इंडियन। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, कमांडर मोकाशी अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नई दिल्ली के नेवी हेडक्वार्टर से एक और आदेश आता है, बिना कोई समय गवाए तुरंत सभी भारतीयों को लेके वहां से निकल जाओ। जेंटलमैन, इस मिशन पर हमारे देश का सम्मान निर्भर करता है। ये सभी हमारे लोग हैं और अभी अभी एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। अपने क्रू को मोटिवेट करते हुए कमांडर मोकाशी कहते हैं, इन लोगों को अपना घर बार मकान दुकान सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है। इनमें औरतें बच्चे और बूढ़े भी हैं और हमें इन सभी को बहुत ही कम समय में यहाँ से बाहर निकालना है, लेकिन हमें इनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव भी करना है। कोई इनके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, इनको धमकाएगा नहीं, सख्ती से काम लेना है लेकिन गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। 5 सेकंड के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे परिवार को भी बिल्कुल ऐसे ही नरक से गुजरना पड़ रहा है। अपनी ये बात पूरी करते ही कमांडर मोकाशी पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हैं, जेंटलमैन, लेट्स ब्रिंग आवर पीपल होम। कमांडर मोकाशी के इन शब्दों को सुन जोश से भर चुका एनएस सुमित्रा का क्रू बोर्डिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। नागरिकों के सामान की स्कैनिंग करने के बाद उसको शिप के एक अलग हिस्से में रख दिया जाता है और हर नागरिक की फोटो खींचने के बाद हाथों से उसकी तलाशी ली जाती है। क्योंकि INS सुमित्रा के क्रू में एक भी महिला नहीं थी, इसलिए इन भारतीय नागरिकों में से ही कुछ बुजुर्ग महिलाओं को बाकी सभी महिलाओं की तलाशी लेने का जिम्मा सौंप दिया जाता है। पता है क्योंकि उनकी INS सुमित्रा के चारों तरफ सिक्योरिटी की दो लेयर्स बनाई जाती हैं। बाहर वाली लेयर में 8 मार्कोस को डिप्लॉय किया जाता है जिनका काम शिप की तरफ बढ़ने वाली किसी भी बोट या वेसल को न्यूट्रलाइज करना था। अंदर वाली लेयर में हथियार बंद नेवल सेलर्स की एक क्विक रिस्पांस टीम को डिप्लॉय किया जाता है जिसका काम बोर्डिंग प्वाइंट के आसपास के एरिया पर नजर बनाए रखना था। INS सुमित्रा में बोर्ड कर रहे भारतीयों में कई लोग ऐसे भी थे जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए सबसे पहले शिप पर डिप्लॉयड डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों की जांच कर उन्हें दवाइयां देना शुरू कर देते हैं।
इन भारतीय नागरिकों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 24 घंटों से अन्न का एक दाना तक भी नहीं खाया था। इसीलिए बोर्ड करते ही हर व्यक्ति को सबसे पहले खाने के लिए सैंडविच और पीने के लिए पानी और चाय कॉफी दिया जाता है। आईएनएस सुमित्रा का क्रू पहले ही अपने केबिन्स खाली कर चुका था। चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो या फिर डॉर्मेट्री में रहने वाला एक रंगरूट, अपना बिस्तर खाली करते समय किसी भी नौसैनिक के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं होती। आईएनएस सुमित्रा की रसोई, जिसके पास 150 लोगों का खाना बनाने की क्षमता और राशन था, अब उसे 500 लोगों का पेट भरना था। इसीलिए इंडियन नेवी का एक क्रू निर्णय करता है कि जब तक हर एक भारतीय सिविलियन पेट भर के खाना नहीं खा लेता, तब तक उनमें से कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा। आखिरी भारतीय नागरिक के बोर्ड करते ही मार्कोस टीम और क्यूआरटी अपनी रेडी टू फायर पोजीशंस को छोड़ वापस आईएनएस सुमित्रा में चढ़ जाते हैं और इंडियन नेवी का ये समुद्री दैत्य अपनी बर्थ से बाहर निकलना शुरू कर देता है। जल्द से जल्द एडन की खाड़ी से बाहर निकलने के लिए ये जहाज पूरी रात अपनी फुल स्पीड पर सेल करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह थक चुके ये भारतीय नागरिक आज कई रातों के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे थे और इसी सुरक्षा का कंबल ओढ़ ये चैन की नींद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे आईएनएस सुमित्रा जिबूती पहुंच जाता है, जहां भारत के विदेश मंत्री जनरल वीके सिंह अपने 350 नागरिकों का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। यमन से 350 भारतीयों को रेस्क्यू किए जाने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। आंखों में आंसू लिए शिप से नीचे उतर रहे सिविलियंस और मुस्कुराते हुए उनको नीचे उतार रहे इंडियन नेवी के सेलर्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेजेस पर छपने लगती हैं। आईएनएस सुमित्रा को रीस्टॉक किया जाने लगता है और इसके क्रू को आराम करते अभी 2-3 घंटे ही हुए होते हैं कि तभी नई दिल्ली से कमांडर मोकाशी के लिए नए ऑर्डर्स आ जाते हैं। इस बार उन्हें यमन के एक दूसरे हिस्से से भारतीयों को बाहर निकालना था, एक हिस्सा जो आग की लपटों में तब्दील हो चुका था। 1 अप्रैल के ही दिन यमन के अल हुदैदा शहर में स्थित एक विशालकाय डेयरी फैक्ट्री के ऊपर सऊदी विमानों ने ताबड़तोड़ बम बरसाए थे। भारतीयों की एक बड़ी तादाद अल हुदैदा में रहती थी और कई भारतीय भी इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। इस हमले में भारतीय खून जरूर बहा होगा। इसी चिंता में डूबे कमांडर मोकाशी और उनके साथ ही अपने जहाज को फुल स्पीड पर अल हुदैदा की तरफ सेल करना शुरू कर देते हैं। एडन के मुकाबले अल हुदैदा तक पहुंचना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। यहां आने वाले जहाजों के लिए दिन में ही आने और वापस लौटने के सख्त निर्देश जारी किए गए थे। इसके ऊपर से कमांडर मोकाशी के पास इस पोर्ट के नेविगेशनल मैप्स तक नहीं थे। अगर उनके पास कुछ था तो यहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का ऑर्डर। आसमान में गरज रहे सऊदी विमानों के शोर के बीच एक छोटे से चैनल से होते हुए आईएनएस सुमित्रा अल हुदैदा की तरफ बढ़ तो रहा था, लेकिन एक बात जो इसके क्रू को अभी तक नहीं पता थी वो ये कि इस शहर के ऊपर हाउदी नामक एक हथियारबंद बागी संगठन कब्जा कर चुका था। दो अप्रैल की दोपहर होते होते आईएनएस सुमित्रा अल हुदैदा के बंदरगाह पर डॉक करना शुरू कर देता है। शिप पर मौजूद मार्कोस और हर एक हथियारधारी नौसैनिक मैक्सिमम अलर्ट मोड में कॉम्बैट पोजीशंस ले लेता है। आईएनएस सुमित्रा उस दिन दुनिया की सबसे खतरनाक जोन बन चुके इलाके में प्रवेश कर चुका था। आईएनएस सुमित्रा के डॉक करते ही हाउती बागियों के कुछ हथियारबंद आदमी, जो इस बंदरगाह को अपने कब्जे में ले चुके थे, शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इनको देखते ही शिप पर मौजूद हर बंदूक इन आदमियों की तरफ तन जाती है। कमांडर मोकाशी अपने आदमियों की तरफ बंदूक के नीचे करने का इशारा करते हुए शिप से नीचे उतरते हैं और इन बागियों की तरफ चलने लगते हैं। आपके देश में क्या चल रहा है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हाउती बागियों को विश्वास दिलाते हुए कमांडर मोकाशी कहते हैं। हम यहाँ अपने देश के नागरिकों को वापस ले जाने आए हैं और मैं आपको वचन देता हूँ कि हम आपके घरेलू मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरे किसी भी आदमी या सिविलियन को हल्की सी भी खरोंच आई तो मैं आपको एक और वचन देता हूँ कि यमन तो छोड़ो, पूरी दुनिया से हाउती नाम मिटा दिया जाएगा।
वैसे भी ये उनसे लड़ने थोड़ी गए थे, वो तो हमारे जो नागरिक इंडियन कर्तव्य नेवी है के इस उनको निडर ऑफिसर निकालने के के लिए मुंह से थे। ये शब्द सुन ये हाउदी बागी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आवाक रह जाते हैं, और फिर एक दूसरे से कुछ फुसफुसाने के बाद इनमें से एक आदमी कमांडर मुकाशी से कहता है, ठीक है तुम्हारे पास अपने लोगों को निकालने के लिए 2 घंटे हैं, 4 घंटे के बाद मुझे तुम्हारा शिप और शक्ल दोनों ही यहाँ नहीं दिखने चाहिए। ये कहते हुए ये हथियारबंद बागी अपने इस दो रास्ते घंटे लौट तो जाते हैं और मेरे कमांडर मुकाशी अपने क्रू को सिविलियंस की स्क्रीनिंग और बोर्डिंग शुरू करने का सिग्नल दे देते हैं। 45 मिनट से तो अच्छा है कि 2 घंटे तो मिल गए सभी को निकालने के लिए। क्रू की पूरी कोशिशों के बावजूद भी थोड़ा यहाँ मौजूद सभी मेहनत भारतीयों की बोर्डिंग कराने में घड़ी की सुई 4 से ऊपर चली ही जाती है और आखिरी भारतीय की बोर्डिंग पूरी होने के साथ साथ सूरज भी डूब चुका होता है। 317 भारतीय नागरिकों को लिए यह जहाज अभी अल हुदैदा के बंदरगाह से निकलता ही है कि एक के बाद एक दो बॉम्ब इस बंदरगाह के ऊपर आकर गिर जाते हैं। सही टाइम पे वहां अपने से डेक निकल पर गए। खड़े दृश्य देख रहे कमांडर मुकाशी अपने एक्सो को 25 नॉट्स यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शिप को सेल करने का आदेश दे देते हैं और देखते ही देखते आईएनएस सुमित्रा बिना चांद की सिया रात के अंधेरे में ओझल हो जाता है। डेक पर मौजूद भारतीय बच्चों ने अपनी जिंदगी में पहली बार शिप देखा था और कई दिनों में आज पहली बार उनके माता पिताओं को भी उनकी कोई चिंता नहीं थी। ये बच्चे शिप के डेक पर शैतानियां करने में लग जाते हैं और उनके माँ बाप क्रू के साथ मिलकर बीमारों और बुजुर्गों की सेवा करने में एक दूसरे की सहायता कर। लगभग 24 घंटे बाद 3 अप्रैल की रात 317 भारतीय नागरिकों से लदा आईएनएस सुमित्रा बिल्कुल सही सलामत जिबूती के तट पर पहुंच जाता है। एडेन और अलुदैता के बाद आईएनएस सुमित्रा को यमन के ऐश शहर नामक के कस्बे की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया जाता है जहां हजारों भारतीय नागरिक पेट्रो मसीला नाम के एक ऑयल टर्मिनल पर काम किया करते थे। समुद्री तट से लगा यह कस्बा अलमुकल्ला नामक एक शहर से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ था और अभी 2 ही दिन पहले अलमुकल्ला के ऊपर अलकायदा कब्जा कर चुका था। अगले 40 घंटों तक फुल स्पीड पर सेल करने के बाद आईएनएस सुमित्रा 5 अप्रैल की सुबह अलमुकल्ला शहर के पास से गुजरता हुआ अत्यंत खतरनाक समुद्री रास्ते से ऐशहीर की तरफ बढ़ने लगता है। नई दिल्ली से कमांडर मुकाशी को ऐशहीर पोर्ट के मैप्स और सैटेलाइट इंटेलिजेंस भेज दी जाती है। इन मैप्स के अनुसार ऐशहीर पोर्ट सामान्य फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए नहीं था और यहां पर घाट भी नहीं बने हुए थे। इसका मतलब ये था कि आईएनएस सुमित्रा को इस पोर्ट पर डॉक नहीं किया जा सकता था। कोई दूसरा रास्ता ना देख कमांडर मुकाशी निर्णय लेते हैं कि आईएनएस सुमित्रा पोर्ट से थोड़ी दूर पानी में ही अपनी पोजीशन होल्ड करेगा और भारतीय नागरिकों को बोट्स में बिठा पोर्ट से शिप तक लाया जाएगा। ये सब सोचने में आसान था, कहने में आसान था, लेकिन करने में नहीं। दिन के उजाले में सिविलियन से लदी बोट्स को बार बार सेल करवाना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता था। मार्कोस टीम एक बार फिर आईएनएस सुमित्रा के चारों तरफ पानी में कॉर्डन बना लेती है और शिप के डेक पर मौजूद नेवल सेलर्स भी अपनी गन्स को रेडी टू फायर मोड में तानते हुए चारों तरफ फैल जाते हैं। कभी कुछ अगर हो जाए सिविलियन से भरी पहली बोट अभी आईएनएस सुमित्रा तक पहुंचती ही है कि तभी मार्कोस की नजर उनके शिप की तरफ बढ़ रही कुछ छोटी बोट्स के ऊपर पड़ती है। इस समय तक इंडियन नेवी के इन रेस्क्यू मिशंस की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इंडियन नेवी भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी रेस्क्यू कर रही थी जिनमें पश्चिमी देशों के लोग भी शामिल थे। इसीलिए कमांडर मुकाशी को एकदम साफ इंटेलिजेंस दी गई थी कि अब वो यमन में जहां भी जाएंगे वहां आतंकी संगठन उनका इंतजार अवश्य कर रहे होंगे। ये सभी बोट्स आईएनएस सुमित्रा से थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाती हैं। ये कह पाना मुश्किल था कि किसमें सिविलियन सवार थे और किसमें आतंकी, कौन सी बोट मछलियों से भरी हुई थी और कौन सी बारूद से। कुछ भी हो जाए लेकिन बोर्डिंग नहीं रुकनी चाहिए। मार्कोस का टीम लीडर जैसे ही ये कहता है 2 मरीन कमांडोज बिजली की फुर्ती से अपने इजरायली मेड स्नाइपर राइफल्स को इन बोट्स की तरफ तान देते हैं। अगले कुछ घंटों के दौरान इतिहास के सबसे तनावपूर्ण मानवीय रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया जाता है। भारतीय नौसैनिक केवल 2 बोट्स का इस्तेमाल कर 203 सिविलियंस को इंडियन नेवी के इस वॉरशिप में बोर्ड करवाते हैं और इन कुछ घंटों के दौरान एक क्षण के लिए भी इस शिप पर मौजूद किसी भी बंदूक के ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई जाती।
कितना फोकस। उन अनआइडेंटिफाइड बोट्स में से कुछ आईने सुमित्रा की तरफ बढ़ने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं आती। 203 सिविलियंस की बोर्डिंग पूरी होते ही आईने सुमित्रा फुल थ्रोटल मोड में सेल करना शुरू कर देता है और 7 अप्रैल की शाम जिबूती पहुंच जाता है, जहां अब तक इंडियन नेवी के 2 और वॉरशिप्स आईएनएस तरकश और आईएनएस मुंबई भी पहुंच चुके थे। पिछले एक हफ्ते से हर पल अपनी जान को खतरे में डाल भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर रहे आईएनएस सुमित्रा के क्रू को इस शाम पहली बार अपनी टांगे सीधी करने का समय मिलता है। कई दिनों के बाद आज पहली बार ये भारतीय नौसैनिक भारत में उनकी चिंता कर रहे अपने परिवारों से भी बात करते हैं। कमांडर मोकाशी भी कई दिनों के बाद अपनी पत्नी और बच्चों से बात करते हैं। वो उनको विश्वास दिलाते हैं कि रेस्क्यू मिशंस एकदम सामान्य से इन एंड आउट ऑपरेशंस हैं और इनमें जरा सा भी खतरा नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है और वो तो बहुत ही जल्द घर भी वापस आ जाएंगे। अपने परिवार से बात करने के बाद जब कमांडर मोकाशी फोन नीचे रखते हैं तब उन्हें अच्छे से पता होता है कि यमन में अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है और उनके परिवार को उनसे मिलने के लिए अभी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो और दूसरा और आखिरी पार्ट था इस पूरे वीडियो का। तो बहुत ही अच्छे लगे ये सुन के कि सभी सेफ, जो तीनों मिशन किए थे, एक नहीं लेकिन 2 और भी किए थे, वो भी सब सेफ तरीके से जहां उनको पहुंचना था वो पहुंच गए और किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, ना कोई ऐसा हमला हुआ कि इससे जाने जाए या हमारा कुछ नुकसान हो। और ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि हमारे नेवी के जवान जिस मिशन के लिए वो प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सेफ तरीके से उनको उन्होंने पूरा किया। तो ये उनकी प्रोफेशनलिज्म और अपनी परवाह ना करते सिविलियंस और देश पे कोई आँच ना आए इस जज्बे के साथ काम करते हैं, तो वो तो अच्छी तरीके से पूरा होना ही था। और जो हमने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया था वो सिर्फ हमारे भारतीय नहीं लेकिन दूसरे मुल्कों के भी लोग थे, तो वो भी एक अच्छी बात है कि हमने और भी देशों को हेल्प किया। तब जबकि पहले ये होता था कि हम दूसरे देशों पे निर्भर रहते थे कि वो हमारे नागरिकों को रेस्क्यू करेंगे, लेकिन अब ये दिन आ गए हैं कि हम USA जैसे लोग भी देश भी इंडिया को देखते हैं कि वो शायद हमारे नागरिकों को भी वहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि वो नहीं निकाल पा रहे थे उस समय पे। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारी नेवी ने इस मिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही थी जो हम मिशन कर रहे थे। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा हो जा रहा तो इंटरनेशनल लेवल पर हमने शर्मिंदगी उठानी पड़ती, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो कोई ये नहीं सोचता कि वहाँ पे कितना रिस्क था या ऐसा कुछ। अगर ऐसी घटना घट जाती है तो सिर्फ मीडिया वाले, तो फिर आपको पता ही है कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।